हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए घातांक और करनी सर्स एंड इंडस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सबके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन, रूट 1350 का मिश्रित करनी ज्ञात कीजिए। तो 1350 को अपन को पहले फैक्टर करना पड़ेगा, 1350 का फैक्टर। तो 1350 का फैक्टर करने के लिए 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। फिर जाएगा 3 से, 3 से 225, फिर चला जाएगा 3 से, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से ये चला जाएगा 3 से 25 बार, फिर 5 से, 5 से एक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो 2 × 3 में से 1 × 3 आ जाएगा बाहर, 2 × 5 में से 1 × 5 आ जाएगा बाहर, रूट अंदर बच जाएगा 2 × 3। तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, रूट 6 इसका आंसर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, रूट 20 25, 2025 का मान ज्ञात कीजिए। तो रूट 2025, तो दो के जोड़े बना लेंगे, ये हो जाएगा इस तार चौक 16, कितना बच गया, तार ऊपर आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा 25, नीचे उतार लेंगे, 4 × 2 = 8, ऊपर 4 × 2 = 8, अब इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये 5 से यहाँ और यहाँ सेम संख्या से मल्टीप्लाई होगा, तो 85 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 425 से 425 पूरा चला जाएगा। यह है 45 का स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा 45। आगे देख के स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग में हमेशा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा और 9 आ सकता है। तो इसके अंदर पहले में कितना है, 6 आ सकता है, दूसरे में 4 आ सकता है, तीसरे में 2, तो नहीं आएगा, तो सी इसका गलत आंसर है, चौथे में 4 आ सकता है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 90 का वर्गमूल के बीच होगा। तो 90 का वर्गमूल 90 से कम 81 और 90 से अधिक होता है 100। तो 81 किसका होता है, 9, और 100 होता है 10 का, तो 9 व 10 के बीच होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, रूट 4 का मान ज्ञात कीजिए। रूट 4 का मान हो सकता है एक तो 2 और एक हो सकता है -2। इसका मीन्स ये हो गया कि रूट -2 × -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है रूट 4। रूट 4 का मान 2 या -2 होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। रूट रूट कोष्टक 544 का स्क्वायर माइनस रूट 200 कोष्टक 256 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी 544 और 256 800 इंटू 544 माइनस 256 238, ये अक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर जाएगा ये अक्स स्क्वायर बराबर 800 इंटू 238, 800 इंटू 238, ये अक्स
स्क्वायर बराबर 100 इंटू, ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2300, ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2300 4, अक्ष बराबर हो जाएगा 480। आगे देखिए स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन, रूट 142 488 का मान ज्ञात कीजिए। 142 884 का मान, दो दो के जोड़े बना लेंगे 14, 14 से छोटी संख्या हो जाएगी 9, तो 9 हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 9, कितना बच गया 5, 528, 3 दूनी 6, तो ऊपर आ गए 1 तो 3। अब 6 से इससे ज्यादा संख्या नहीं जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 को 7 से 49, 4, 7 से 42, 42 और 4 46, 400, तो 18, 18 में से 9 चला गया 9, 11, 11 में से 6 चला गया 5, ऊपर वाला आ जाएगा 84, नीचे ये हो जाएगा 87, और ये 67 और 7, 67 और 7 74, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 8, 8 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5984, ये इससे पूरा चला जाएगा 3, 7 और 8, ये 378 का वर्गमूल है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, 18769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है, 18769 में कितने अंक नियत है, तो 18 1 8 7 6 9, दो के जोड़े बना लेते हैं, 3 बच गया, 3 का रहने देते हैं, इससे कम, इससे कम रहेगा 13 का, 13 और 13, 13 का होता है 1 6 9, 17, 17 में से 9 चला गया 8, 17 में से 9 चला जाएगा तो 8, और इधर 17, 17 में से 16 चला गया 1 6 और 9, 13 दुना 26, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 267 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 1869, ये पूरा का पूरा इसे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 137, तो कितने अंक हो गए, 1 2 3, 3 अंक। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन, रूट 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका रूट ए प्लस बी हो जाएगा 36 और ए माइनस बी हो जाएगा 4, ए माइनस बी हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 36 का 6 इंटू 6, 4 का 2 इंटू 2, तो 1 6 12 आ जाएगा इसका, 1 2 12 आ जाएगा, 6 2 12। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, 10201 का वर्गमूल कितना होगा, 10201, तो 01 और 102, तो 10 से चला जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100, ऊपर कितना आएगा 10, ऊपर 201, 10 को 10, 10 प्लस 10 20, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 201 पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा 101 का स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा 101। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, 519841 का वर्गमूल, 519841, तो दो दो के इसको पेयर बना लेंगे, ये जाएगा 7 से, 7 7 49, 298, 7 2 14, 7 2 14, ये चला जाएगा 2 से, 2 2 4, 7 चौक 14 2 28, तो 8 में से 4 चला गया 4, 9 में से 8 चला गया 1, ऊपर आ जाएगा 41, 142 और तो 144, ये फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1400
1441, ये यहाँ पे कुछ नहीं ऊपर आएगा, 721, 721 का स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, 34596 का वर्गमूल कितना होगा? 34596 का वर्गमूल, दो दो के इसको तीन का भी पेयर बना सकते हैं अपन, तीन का पेयर बना लेंगे तो ये हो जाएगा 18 का, 18 और 18, 18 का होता है 324, 1296, 2196, 2196, 18 दुना 36, तो ये इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और ये हो जाएगा 2196 पूरा का पूरा चला गया, तो इसका मान हो जाएगा 18, 186 का स्क्वायर का मान 186। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन, 11881 का वर्गमूल कितना होगा? 11881, तो इसका 2 इसका 3, ये चला जाएगा 10 से हो जाएगा 118, और ऊपर वाला 81 आ जाएगा, 10 दुना 20, 10 दुना 20, ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1881 का पूरा तो हो जाएगा 109 का स्क्वायर कमान 109। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 14वां क्वेश्चन, संख्याओं में कौन सी संख्या 14161 का वर्गमूल है? 14161, तो 2 का ये 3 का रह जाएगा, ये चला जाएगा इससे 11 का 121 कितना बच गया, 2061, 11 दुना 22, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई 9 से, 9 नाम 81 का 1, हासिल की 8, 9 दुनिया 18, 18 8 26 का 6, हासिल की 2, 9 दुनिया 18, 18 8 2 20, 2061 से 2061 चला गया ऊपर आ जाएगा 11 9 119। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, 75 69 का वर्गमूल, 7569, तो दो दो के पेयर बना लेंगे, ये हो जाएगा 8 का, 8 से 64 कितना हो गया 11 1169, 8 दुनी 16, 8 दुनी 16 7 से हो जाएगा 1169 पूरा का पूरा चला गया, तो ये हो जाएगा 87 का स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा 87। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 16वां क्वेश्चन, 8281 का वर्गमूल कितना होगा? तो 8281, दो दो के पेयर बना लेंगे, 9 से 9 नाम 81, 1181, 9 दुनिया 18, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 181 से 181 पूरा का पूरा तो हो गया 9 और 1, 91 का स्क्वायर, इसका मान हो गया 91। आगे देखिए स्टूडेंट, 17वां क्वेश्चन, 3364 का वर्गमूल कितना होगा? 3364, दो दो के पैर, ये चला जाएगा इससे 5 से 25 कितना हो गया 8, 864, 5 दुनी 10, 5 दुनी 10, 8 से ऊपर नीचे ये हो जाएगा 864 का 864, ये हो जाएगा 58 का स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 58। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 18 31 84 का मान, 18 31 और 84 का मान, दो दो के जोड़े बना लेंगे, ये चला जाएगा 4 से 4 चौक 16 2 31, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, फिर 2 से चला जाएगा 2 से 2 दुनी 4, 2 दुनी 4, 8 दुनी 16, 231 में से 164 चला जाएगा, तो 67 ऊपर आ जाएगा 84, ये इसमें 84 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 बार,
64 लास्ट में आता है तो ये 6 7 8 4 पूरा का पूरा चला जाएगा, ऊपर रहेगा तार 2 और 8, 428 का स्क्वायर, तो ये होगा 428 इसका मान। आगे देखिए स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, 625 का वर्गमूल, 600 600 425, ये दो का जोड़ा बना लेंगे, ये 3 का 3 रहेगा, ये 24 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 576 कितना बच गया, 24 24 25 24 दुना 48 24 दुना 48, ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 485 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 25 पूरा का पूरा ये हो जाएगा 24 5, 245। आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, 46 24 का वर्गमूल, 46 और 24 दो दो के पैर बना लेंगे, 6 से 6 36 कितना हो गया, 10 से 24, 6 दूनी 12 इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 12 इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये हो जाएगा 8, 128 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1024 का पूरा चला गया, ये हो जाएगा 68 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर। आगे देखे स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, 54 76 का वर्गमूल क्या होगा, तो 54 5 4 7 6 दो दो के पैर बना लेंगे, ये चला जाएगा 7 से 7 49, ये हो जाएगा 576, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ये इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 4 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 6 आएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल की 1, 14 चौका 56 57, 576 से 576 चला गया, ये हो गया 76 का स्क्वायर। आगे देखे स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, 43 56 का वर्गमूल, 43 और 56 दो दो के पैर बना लेंगे, ये चला जाएगा 6 से 36, 6 से 36 756, 756 6 दूनी 12, फिर ये इसे ज्यादा नहीं जाना चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 756 का 756 पूरा का पूरा चला जाएगा, ये हो जाएगा 66 का स्क्वायर, इसका मान आएगा 66। आगे देखे स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, 15625 का वर्गमूल याद कीजिए, 15625 का होगा 15625, दो का ये 3 का रह जाएगा, ये चला जाएगा 12 से, 12 का होता है 144, 2 1 ऊपर हो जाएगा 1225, 12 दूना 24 और ये 5 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई 1225 का 25, ये हो जाएगा 125 का स्क्वायर, 125 का मान। आगे देखे स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन, 108 16 का वर्गमूल, 108 16 का वर्गमूल तो ये हो जाएगा 108, 108 और 16 दो का ये 3 का रह जाएगा इधर, 108 से कम 10 का, 10 का होता है 100, कितना बच गया 816, 10 दुना 20 ये चला जाएगा 4 से, तो ये हो जाता है 4 से 816 पूरा का पूरा हो जाएगा 104 का स्क्वायर, 104 का इसका माना जाएगा 104। आगे देख के स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन, 37 249 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 37 249 का वर्गमूल 2 और 3, 2 और 3 का जोड़ा 37 249, ये चला जाएगा इससे 19, 19 का 361, 19 का होता है 361, ये 1 1, 1149, 19 दुना 38, 19 दुना 38 ये चला जाएगा 3 से, हो जाएगा 1149 पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा 193 का स्क्वायर,
193 इसका मान। आगे देखिए स्टूडेंट 26वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। रूट चौवन इंटू रूट छह, रूट चौवन, रूट चौवन में आ जाएगा 9 इंटू छ और इंटू रूट छ, तो हो जाएगा 9 का हो जाएगा 3 रूट छ इंटू रूट छ, 3 इंटू छ बराबर 18। आगे देखिए स्टूडेंट्स 25 281 का वर्गमूल क्या होगा। 25 281 का वर्गमूल, ये दो का जोड़ा, ये तीन का, दो का और तीन का मान लेते हैं, ये हो जाएगा 15 का, 15 और ये इधर भी 15, 225, 225 तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 15 दुना 30, 15 दुना 30 नौ से जाएगा, नौ से 27, 81 पूरा का पूरा 159 का स्क्वायर, 159 आ जाएगा इसका मान। आगे देखिए स्टूडेंट्स 39204 का वर्गमूल क्या है। 39204, तो दो ये तीन का, 19 का आता है 361, 361 19 का आता है से कम, तो ऊपर आ जाएगा 19, 361, 1304, 31, 04, 19 दुना 38, 19 दुना 38 ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 31, 04 पूरा का पूरा चला गया, ये हो जाएगा 8, 198 का स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 35721 का वर्गमूल है। तो 35721 दो का, ये हो जाएगा तीन का, दो का और तीन का 18 का, 18 से 324, 18 से 324, 3 2 2 1, 18 दुना 36, 18 दुना 36 ये हो जाएगा 9 से, 9 से हो जाएगा 23, 21 पूरा का पूरा ऊपर हो जाएगा 189 का स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 30वां क्वेश्चन, 41616 का वर्गमूल, 41616 दो का ये तीन का, ये होता है 416 से कम 40, 400 होता है 20 का, 20 इंटू 20, 20 हो जाएगा 416 का 16 16, तो ये हो जाएगा 20 दुना 40, इधर हो जाएगा 20 फिर 4 से, तो हो जाएगा 416, ये 16 16 16 ये हो जाएगा 4 से 204 का स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट्स 31वां क्वेश्चन, 16641 का वर्गमूल क्या होगा। 16641 का वर्गमूल, तो 16641 दो का तीन का, ये हो जाएगा 12, 12 का 144, 12 का 144 2 2 4 1, ये हो जाए 12 12, ऊपर भी अपन 12 लिख देते हैं, 12 दुना 24, ये इससे ज़्यादा नहीं जाए, ज़्यादा नहीं जाए, हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से मल्टीप्लाई 2241 पूरा का पूरा 129 का स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट्स 32वां क्वेश्चन, 243049 का वर्गमूल, 243049 का वर्गमूल दो, ये हो जाएगा 4 से, 4 चौक 16, 830, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8 ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई, 9 से हो जाएगा तो 801, 981, 801, 801 कितना बच गया, 29 49, 89 और 9 98, ये 98 को
से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 29, 49 पूरा का पूरा, तो ऊपर आ जाएगा 4, 9 और 3, 493 का स्क्वायर। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स 33वां क्वेश्चन, 21904 का वर्गमूल कितना होगा। 21904, 21904 दो और तीन, ये हो जाएगा 14 से 14 का 196, 19 और 4 23 04, 14 दूना 28, ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 23 04 पूरा का पूरा, तो ऊपर हो जाएगा 148 का स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 16 129 का वर्गमूल क्या होगा। तो 16 129 दो और तीन, ये चला जाएगा इससे 12 से 12 144 1729, ये हो जाएगा 12 दूना 24, ये 7 से 29 है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1729 पूरा का पूरा, ऊपर हो जाएगा 127 का स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा 127। आगे देख के स्टूडेंट्स 35वां क्वेश्चन, 104 04 का वर्गमूल, तो 104 04 दो या तीन का, 10 को 10 से, तो 404 10 दूना 20 फिर 2 से, ये हो जाएगा 404 पूरा का पूरा, तो हो जाएगा 102 का स्क्वायर। आगे देख के स्टूडेंट्स 36वां क्वेश्चन, 15 21 का वर्गमूल कितना होगा। 15 और 21, 15 और 21 हो जाएगा 2 2 के पैर, ये हो जाएगा 3 3 9, कितना बच गया 621, 3 2 6 और 6 और 3 2 6 फिर 9, 3 2 6 फिर 9, 9 9 81 का 1, 9 6 54, 54 और 8 62, 621 से 621 चला जाएगा, ये हो जाएगा 39 का स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा 39। आगे देखिए स्टूडेंट्स 37वां क्वेश्चन, 1 6 9 00 का वर्गमूल, तो इसका तो हो जाएगा 13 और इसका हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 130 का स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा 130। देखिए स्टूडेंट्स 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 4√0.000081, तो ये हो जाएगा 4 × ये है 2 2 4 6, तो इसका हो जाएगा 0.009, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0.036। आगे देखे स्टूडेंट्स 39वां क्वेश्चन, 42.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो अक्ष बराबर 42.25, तो ये हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो इधर भी वर्गमूल करना पड़ेगा और इधर भी, तो ये हो जाएगा इधर 4525 बटा ये पूरा होगा इधर वर्गमूल में 4525 बटा 100, तो 4525 का आ जाएगा 65 और 100 का आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 6.5, अक्ष बराबर 6.5। आगे देखिए स्टूडेंट्स 13.69 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो अक्ष बराबर 1369 का आ जाएगा 37 बटा 10, रूट अक्ष बराबर 3.7। आगे देखे स्टूडेंट्स 41वां क्वेश्चन, रूट जीरो पॉइंट
0000691699, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 है, तो अपन को इसका मान है 69169। ये किसका होता है? ये होता है 263 का स्क्वायर, 263 का स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा 0.0263। आगे देखे स्टूडेंट्स 42वां क्वेश्चन, 0.0324 का वर्गमूल याद कीजिए। तो वर्गमूल में हो जाएगा रूट 0324 बटा 1/10,000। तो 324 होता है 18 का, 10,000 का हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.18 इसका आंसर। आगे देख के स्टूडेंट्स 43वां क्वेश्चन, रूट 4.2436 का मान, तो हो जाएगा रूट में 4236/10,000, ये हो जाएगा इसका मान 206। ऊपर वाले का मान होता है 206, नीचे वाले का मान हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 2.06 इसका आंसर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 44वां क्वेश्चन, 0.8 का मान याद कीजिए, तो हो जाएगा 0.8। तो अपन इसको 8, इधर अपन इसको एक जीरो लगाना है, फिर इसका आएगा ऊपर 0. अब इससे ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो किसका आएगा 8 का, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 64 = 16, 8 × 16। ऊपर अपन को दो जीरो उतारना है ऊपर से, अब इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 × 81 = 1, हासिल की 8, 9 × 6 = 54, 54 × 8 = 62, हासिल की 6, 9 × 6 = 15, 1521, 1521 1600 में से 1521 जाएगा तो 79, दो जीरो और आ जाएगा, 169 में 9 जोड़ देंगे तो 178, अब इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 1768 चार से मल्टीप्लाई कर लेंगे, चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7136, तो इसका मान आ जाएगा 0.894, 0.894 इसका आंसर। आगे देखे स्टूडेंट्स 45वां क्वेश्चन, रूट 0.01414 का, तो ये हो जाएगा रूट 144/10,000, 144 होता है 12 का, 10,000 का हो जाएगा 100, इसका मान हो जाएगा 0.12। आगे देखिए स्टूडेंट्स 46वां क्वेश्चन, यदि -36 × √196 + √x = 8 × 3 − 2, तो अक्ष का मान हो जाएगा इसका -3 × 14 + √x = 8 / 24 − 2, तो हो जाएगा √x = 8 / 24 = 22, 22 + 14 = 42, उधर चला जाएगा तो √x = 42 और 22, 42 और 22 = 64, एक्स बराबर इधर लग जाएगा रूट, इस साइड स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर से रूट हटेगा तो इस साइड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बराबर 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे या 64 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का 16, 6 का 36, 6 × 4 = 24, 24 × 48, 6, 9, 6 × 4 = 10, 0 हासिल की 1, 46, 96। आगे देखिए स्टूडेंट्स 47वां क्वेश्चन, अक्ष √12 = 4 + √3 का मान याद कीजिए, अक्ष √12 = 4
प्लस अक्स रूट तीन, तो अक्स इधर आ जाएगा टू अक्स रूट तीन बराबर चार प्लस अक्स रूट तीन, इधर आ जाएगा दो, इधर आ जाएगा अक्स, यह आ जाएगा टू दो रूट तीन, अक्स कॉमन आ गया, उस साइड भी अक्स कॉमन आ जाएगा, माइनस में रूट तीन बराबर तार, अक्स बराबर तार बटा रूट तीन। आगे देखिए स्टूडेंट्स 48वां क्वेश्चन, रूट बेहतर इंटू 18, रूट बेहतर इंटू 18 तो हो जाएगा रूट बेहतर की जगह 9 इंटू 4 इंटू 2, इंटू में हो जाएगा 18 की जगह 9 इंटू 2 प्लस 0.04, इसका मान हो जाएगा 0.2 प्लस इसका मान हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 1, 9 इंटू 4 प्लस 1, 9 चौक 36 प्लस 1 बराबर 37 इसका आंसर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 49वां क्वेश्चन, यदि व्यंजक 21.98 इंटू 21.98 प्लस 21.98 इंटू अक्स प्लस 0.04 इंटू 0.04 तो हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा 21.98 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 टू ए इंटू बी 21.98, तो ये ए स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में, बी स्क्वायर दे रखा है 21.98 दे रखा है, अक्स बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0.04 अक्स बराबर 0.08 फ्रेंड्स, रूट 0.003 इंटू 0.3 इंटू पी बराबर 0.3 इंटू 0.03 इंटू क्यू, तो पी बटा क्यू का मान याद कीजिए, तो हो जाएगा पी बटा क्यू, पी रूट पी बटा क्यू बराबर पी का मान 0.3 इंटू 0.03 बटा रूट 0.003 इंटू 0.3, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस साइड का ये हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा P बटा Q, इस साइड हो जाएगा 0.09 इंटू 0.0009, इधर हो जाएगा 0.003 इंटू 0.3, पी बटा क्यू बराबर हो जाएगा 0.000081 बटा नीचे हो जाएगा 0.0009, ये इससे चला जाएगा 0.09 बार। आगे देखें स्टूडेंट्स 51वां क्वेश्चन, रूट कोष्टक 21.16 इंटू रूट 48 प्लस अक्स भाग प्लस नहीं है भाग भाग अक्स बराबर 92 तो हो जाएगा दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर तो हो जाएगा 21.16 इंटू
रूट 48 भाग अक्स बराबर 90 92 इंटू 92 तो हो जाएगा 48 भाग अक्स बराबर 4 इंटू 4 अक्स बराबर 3। आगे देखिए स्टूडेंट्स 52वां क्वेश्चन, रूट 225 बराबर 15 तो रूट 2.25 बराबर हो जाएगा एक, इसका मान हो जाएगा 1.5, इसका मान हो जाएगा 0.15, इसका मान हो जाएगा 0.015। तो 1.5, 0.15, 0.015, 5, 6, 6, 1, 1.665 इसका आंसर। आगे देखें स्टूडेंट्स 53वां क्वेश्चन, रूट 29 16 बराबर 54 तो 29.16 का हो जाएगा 5.4, 0.2916 का हो जाएगा 0.54, इसका हो जाएगा 0.054, इसका हो जाएगा 0.0054। इन सबको जोड़ने पर 5.4.54.054.0054 4, 9, 9, 9, 5.9994। आगे देखिए स्टूडेंट्स 54वां क्वेश्चन, यदि रूट 54 प्लस रूट 150 बराबर 19.60 तो रूट 216 प्लस रूट 96 का मान ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा रूट 54 प्लस रूट रूट 54 रूट 54 प्लस रूट 150 बराबर 19.60 तो हो जाएगा 8√6 + 5√6 = 19.60 तो हो जाएगा 8 + 8 + 8 = 3√6 = 19.60 5 * 3 = 8 = 19.60 √6 = इसमें भाग देंगे तो याद आएगा 2.45। अब 216 प्लस 96 का हो जाएगा 6√6 + 4√6 तो हो जाएगा 10√6 × 10 का हो जाएगा 2.45 तो इसका मान आ जाएगा 24.5। आगे देखिए स्टूडेंट्स 55वां क्वेश्चन, रूट 45 प्लस रूट 125 बराबर 17.88 हो जाएगा, इसका रूट 45 का हो जाएगा 3√5 प्लस रूट 125 का हो जाएगा 5√5, 5√5 बराबर 17.88, 5 * 3 = 8√5 बराबर 17.88, √5 = हो जाएगा 8√5 भी अपन इसको मान सकते हैं, 8√5 = 17.88। अब मान निकालना है अपन को इधर, 180 + √80 + √80 √180 का हो जाएगा 6√5 + 80 का हो जाएगा 4√5, 4√5 6 * 4 = 10√5 10√5 का मान निकालना है तो 10√5 = 17.88 बटा 17.88
आठ रूट पांच इंटू 10 रूट 5, रूट से रूट चला जाएगा, इसमें 8 का भाग देके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.35। आगे देखें स्टूडेंट्स 56वां क्वेश्चन, रूट 0.03316 अक्ष बराबर 1.9, तो इसका माना जाएगा अक्ष बराबर 1.9 बटा रूट 0.0361। आगे हो जाएगा 1.9 बटा 0.19, तो ऊपर हो जाएगा 10, ये इसी चला जाएगा अक्ष बराबर 10। आगे देखें स्टूडेंट्स 57वां क्वेश्चन, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग कितना है, रूट 14 प्लस 8 रूट 3, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट 14 प्लस 8 रूट 3, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर इधर हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर वाई का स्क्वायर, इधर हो जाएगा रूट 14 प्लस 8 रूट 3 का स्क्वायर करने पर, तो इधर हो जाएगा x प्लस x प्लस y प्लस 2 रूट x और y बराबर, इधर हो जाएगा 14 प्लस 8 रूट 3, दोनों पक्षों की तुलना करने पर x प्लस y बराबर 14 और 2 रूट x y बराबर 8 रूट 3, x रूट x y बराबर हो जाएगा 4 रूट 3, x y बराबर हो जाएगा 48, x प्लस वाई बराबर 14 आया और तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान 48 बराबर 196, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 48 और 2 196, 196 में से 96 चला जाएगा तो आ जाएगा 100। आगे देखें स्टूडेंट्स 58वां क्वेश्चन, रूट 4225 बराबर 65, तो 42.25 का माना जाएगा 6.5 और इसका माना जाएगा 0.65, तो 6.5 और 0.65 आ जाएगा 5, 6, 5, 11 का 1, असली की 1, 6, 1, 7 7.15। आगे देखें स्टूडेंट्स 59वां क्वेश्चन, रूट 7 बराबर 2.6457 और रूट 3 बराबर 1.732, तो 1 बटा रूट 7 माइनस रूट 3 हो जाएगा 1 बटा रूट 7 माइनस रूट 3, तो ऊपर नीचे रूट 7 प्लस रूट 3 बटा रूट 7 प्लस रूट 3, तो ऊपर हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 3 रूट 7 प्लस रूट 3 बटा नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो हो जाएगा ये रूट 7 प्लस रूट 3 बटा 4, तो 2.6457 प्लस 1.732
बटा चार, तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 4.3777/4, तो इसमें चला जाएगा ये 1.09 4 4। आगे देखिए स्टूडेंट, 60वां क्वेश्चन, पी स्क्वायर यदि 0.27/P² = 27, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.27/27, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 27/27 इंटू नीचे हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1/100, 1/100 ये हो जाएगा 1/पी का मान, पी का मान हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/10, 1/ इधर स्क्वायर रहेगा तो ये हो जाएगा 1/10 और समान हो जाएगा 0.1। आगे देखिए स्टूडेंट 61वां क्वेश्चन, √45 + √20 = 11.180, तो √45 + √20 तो हो जाएगा ये √45 + √20 का मान आ जाएगा 2√5 = 11.180। अब इसका मान निकालना है √180 का मान आएगा 2.45 + √5 अपन को दे रखा है, 2 आ जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा √45 + √5, दो तो बाहर कॉमन आ गया, तो 2 इंटू इसका मान दे रखा है 11.180, तो ये जाएगा ये 22.360। आगे देख के स्टूडेंट्स 62वां क्वेश्चन, 3√5 + √125 = 17.84, तो ये हो जाएगा 3√5 + 5√5 = 17.84, तो हो जाएगा 5 और 3 8√5 = 17.84, तो √5 = 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2.23। अब इसका निकालना है √80 + 7.5, 80 का हो जाएगा 4√5 + 7√5, 7 और 4 11 11√5, तो 11 × √5 का मान दे रखा है 2.23, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 24.53। आगे देखें स्टूडेंट्स 63वां क्वेश्चन, √50 + √128 = √n, तो n का मान याद कीजिए, तो √50 का मान आ जाएगा 5√2 + √128 का मान आ जाएगा 8√2 √n, तो हो जाएगा 5 और 8 13√2 √n, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर 13, दोनों पक्षों का वर्ग, तो 13√2 √n² तो हो जाएगा 13 का 169 × 2 = n, n = 338। आगे देखिए स्टूडेंट्स 64वां क्वेश्चन, √108 + √243 = 25.98, तो आ जाएगा इसका मान 108 का मान आ जाएगा 6√3 + 243 का मान आ जाएगा
243, 81, 3, 9, रूट 3 बराबर 25.98, 25.98, 9 और 6, 9 और 6, 9 और 6 आ जाएगा 15, 15, 9 और 6, 15 रूट 3 बराबर, 15 रूट 3 बराबर 25.98, 25.98। अब ये देख लेते हैं आगे वाला, रूट 147, तो 147 का मान आएगा 7√3 प्लस रूट 192 का जाएगा 8√3, तो ये हो जाएगा 8 और 7 15√3, तो 15√3 का अपन को मान 25.98 दे रखा है पहले से। आगे देखे स्टूडेंट्स 65वां क्वेश्चन, निम्न अभिव्यक्ति को सरल कीजिए, 7√48, तो 7√48 में आ जाएगा, तार का भाग देंगे 12 × 48, फिर 4 × 3 प्लस 7√147 में पहले 7 का भाग देंगे, फिर 7 × 49 × 3, तो जाएगा 7 × 4√3 प्लस 7 × 7√3, तो 7 × 28√3 प्लस 49√3, 49 और 28 77√3। आगे देखे स्टूडेंट्स 66वां क्वेश्चन, रूट 0.0169 अक्ष बराबर 1.3, अक्ष बराबर 1.3 बटा रूट 0.0169 आ जाएगा, वो 1.3 बटा 0.13, ऊपर चला जाएगा 10, ये हो जाएगा अक्ष बराबर 10। आगे देखें स्टूडेंट 67वां क्वेश्चन, अक्ष स्क्वायर बराबर 841, अक्ष स्क्वायर बराबर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर बराबर हो जाएगा 841, अक्ष बराबर रूट 841, अक्ष बराबर ये हो जाएगा 29। आगे देखिए स्टूडेंट्स 68वां क्वेश्चन, रूट 214 प्लस रूट 107 प्लस रूट 196, 196 हो जाता है 14 का, तो 14 इसमें जोड़ देंगे, 14 और 8 121, 121 होता है 11 का, 11 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 225, 225 होता है 15 का। आगे देखें स्टूडेंट्स 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए, रूट 8 प्लस 2 रूट 15, 15 प्लस 8 रूट 8 माइनस 2 रूट 15, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा रूट 8, 8, 8 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर 64 माइनस 2 का हो जाएगा 4 और 15, 15 चौका 60, ये हो जाएगा रूट 4, ये हो जाएगा 2। आगे देखिए स्टूडेंट्स 70वां क्वेश्चन, यदि रूट 54 प्लस रूट 150 ए, तो रूट 96 प्लस रूट 216 का मान, तो 54 का मान हो जाएगा रूट 3 रूट 6 प्लस 5 रूट 6 बराबर ए, तो हो जाएगा 5 और 3 8 रूट 6 बराबर ए। अब 196, 100 इसका 96 का दे रखा है, 96 का हो जाएगा 4 रूट 6 प्लस 216 का हो जाएगा 6√6, 4 × 6 = 10√6, इसका मान निकालना है, तो a बराबर 8√6 × 10√6 चला जाएगा 9/8 × 10, 9 का 90/8,
90 में 8 का भाग देंगे तो 1.25 ए,